आठ साथ वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। मनमोहिनी का अर्थ क्या होता है? मन को आकर्षित करने वाली। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। मनमोहिनी का अर्थ होता है मन को आकर्षित करने वाली प्रकृति की जो गोद में बसा है वह देश जहाँ सारा सुख जो मिलता है, जहाँ हमें स्वर्ग सा प्रतीत होता है, वह देश कौन सा है? वह देश मेरा भारत देश है। ठीक है, वह देश भारत देश है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? जिसका चरण निरंतर, निरंतर का अर्थ क्या होता है? निरंतर का अर्थ होता है न हमेशा या लगातार। रत्नेश का अर्थ होता है सागर या समुंदर। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? मतलब जिसका जिसके चरण हमेशा लगातार धो रहा है और जिसको एक मुकुट पहना दिया है, वह देश कौन सा है? हिमालय के अंतर्गत वह देश मेरा भारत देश है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? नदियाँ जहाँ सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना सुंदर, वह देश कौन सा है? नदियाँ जहाँ चारों तरफ अमृत की धारा बह रही है और सुंदर सींचा हुआ देश है, जहाँ चारों तरफ स्वर्ग सा प्रतीत होता है, वह देश मेरा भारत देश है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे, सब अंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल, कंद, कंद का मतलब होता है जड़, नाज का अर्थ होता है अनाज, अनाज या मेवे। जिसके बड़े रसीले, यहाँ पर अर्थ बताया है कि जिसकी जड़ों में मीठे मीठे अनाज, मीठे फल, मेवे, और जिसके आंगन उसमें सजे हैं सारे देश में फलों से और रसीले फल, कंद, अनाज, मेवों से सजे हैं, वह देश मेरा भारत देश है। जिसके सुगंध वाले सुंदर, प्रसून, प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून फूल प्यारे, प्रसून का अर्थ होता है फूल या पुष्प। जहाँ चारों तरफ धरती पर फूल और पुष्पों की सुगंध बिखरी पड़ी है, दिन रात हंस रहे हैं, पुष्प और आंगनों में अच्छी अच्छी सुगंध बह रही, वह देश कौन सा है? वह देश मेरा भारत देश है। यह कविता किसने लिखी है? वह देश कौन सा है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। यह कविता किसने लिखी है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। इसमें हमें सारे भारत देश के बारे में बताया है। ठीक है।